खबरों की नई पहचान। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र के डबल मर्डर केस में पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि धनबाद के भौड़ा स्थित गोड़खूंटी निवासी शंकर रवानी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी भी थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं जांच के क्रम में पुलिस ने कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया। पुलिस को मुख्य आरोपी की तलाश थी। वहीं मुख्य आरोपी के तलाश में धनबाद पुलिस ने गिरिडीह में छापेमारी की। वहीं छापेमारी कर साकिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं के पुलिस के हत्थे चढ़ा साकिब ने धनबाद पुलिस के सामने जो बोला, पुलिस की नींदे उड़ गई। साकिब ने पुलिस को बताया कि हत्या के प्लान के मुताबिक 2-2 लाख देने की बात कही गई थी, जिसको लेकर अपने 6-7 सहयोगी के साथ भौड़ा के गोरखुटी आकर 1 सप्ताह पूर्व से ही घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहा था और 1 अक्टूबर 2020 को शंकर रवानी के आवास में घुसकर धारदार हथियार से पति पत्नी को काटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला आप लोग को याद ही होगा कि 11 10 2020 को डबल मर्डर की घटना हुई थी सुदामडी गौरखुट्टी में। उस 2020 को जिसमें की हत्या की गई थी, उसी के संदर्भ में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी था और एक व्यक्ति जिसका नाम अभी है साकिब हुसैन, ये गिरिडीह जिला का रहने वाला है। उम्र लगभग 22 साल। ये उस घटना को कारित करने में स्वयं अपनी और अपने अन्य साथियों का नाम भी बताया है और उसका कहना था कि इस घटना में हमारे गिरिडीह के कई साथी इन्वॉल्व रहे, साथ ही उनके जो पारिवारिक रिश्ते के जो रिलेशंस थे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है। उन सभी की मिलीभगत से इस घटना को कारित किया गया था। हुसैन पूर्व का आपराधिक व्यक्ति रहा है, गिरिडीह में इसके कई केसेस हैं और जो अन्य साथियों का भी नाम बताया जा रहा है वो भी आपराधिक चरित्र के हैं। गिरिडीह कौन थाना? सदर थाना। मर्डर केस कौन सा राम था? वहाँ पर मर्डर केस हुआ था, राजवंश राम हवलदार थे, उसमें ये जेल में गया था और अभी कुछ दिन पूर्व ही जेल से बाहर आया था। गिरिडीह में राम अठारह को कारित करने में अमाउंट तो बताए, पैसे की लेन देन एक तरह से पैसा लेकर घटना को कारित करने की जिम्मेवारी स्वीकार किया है। ऐसे आए हैं, 1.5-2 लाख की बातें कर रही है, 2-2 लाख देने की बात हुई थी। उसमें शुरुआत में दिया गया, मैंने 2-2 लाख जितने भी इन्वॉल्वमेंट हो सबको मिलने की बात दल में नेतृत्वकर्ता हमारे इंस्पेक्टर साहब रहे हैं उमेश सिंह और साथ में सुदामडी थाना प्रभारी, भौरा थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों की सहयोगिता रही है। सकते हैं कि उस केस का डिटेक्शन कर लिया गया है। कुछ नाम जो आए हैं उसमें 4 लोग अभी भी जेल में बंद हैं और अन्य की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा।